नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है फिजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट्स की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इन दिनों जारी की गई सभी वैकेंसीज में, यानी कि यूपी, टीजीटी, NBS, राजस्थान PTI, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को एक बार जरूर देखें, पूरा सुनें, सभी वीडियोस को देखें ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके। और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, आप सभी को पता है दोस्तों, अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमें बनती हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं और एग्जाम में गलत हो जाती हैं। तो आपके रिवीजन पर्पज से ही हम प्रतिदिन अपने वीडियो में लेके आते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज और डेली MCQ के थ्रू, तो हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सीरीज में हम लेके आए हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, और कई बार लोगों को डाउट भी होता है इस क्वेश्चन में कि किस अंग में रक्त जो है वो ऑक्सीजन रहित होता है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो जाती है, यानी ऑक्सीजन रहित कहाँ पे होता है। तो पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिलती कहाँ पे है, तो लंग्स में। देखिए, लंग्स में जो है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई वो जगह होती है लंग्स में जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि इम्प्योर गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और प्योर गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस को हमारी सेल्स में जो है इनहेल किया जाता है, हमारे बॉडी में लिया जाता है। ठीक है, तो वो पार्ट कौन सा है जहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिल रही है, वो पार्ट है लंग्स। और वहाँ से जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व है वो ब्लड जो है वो हार्ट में आता है और हार्ट के थ्रू फिर अगेन सेल्स में जाता है और टिश्यूज में ब्लड पहुंचता है। और ये वो प्लेस होता है सेल्स, टिश्यूज, आपको बता दें, जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन का डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे लाइफ में जो परफॉर्म होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो है वो किस भाग में ऑक्सीजन रहित होता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे हार्ट होगा। दैट द ब्लड गेट डी ऑक्सीजनेटेड इन द हार्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए, हार्ट के दाएं आलिंद और दाएं नीले में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। बात की जा रही है इम्प्योर ब्लड की, जिसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, यानी वो रक्त होता है हार्ट के दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल पार्ट में जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और दोस्तों बता दें कि ये वो पार्ट होता है, यानी कि दायां भाग जो हमारे हार्ट का होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें हमारे सेल्स और टिश्यूज से जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है वो आके यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो सीधी सी बात है, एक्चुअली ऑक्सीजन का यूज जो होता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में सेल्स और टिश्यूज में हो जाता है और इसीलिए जो वहाँ का जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के राइट पार्ट में पाया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हार्ट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का पिगमेंट है या प्रोटीन है जिसमें जो मेन जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का प्रतिशत कितना होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी पाई जाती है या ऑक्सीजन से बाइंडिंग की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो पूछा जा रहा है कि इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी या बंधुत्वता जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 98.5%। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है हमारे वीडियो में और विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे क्वेश्चन से रिलेटेड।
तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों। हृदय गति को कैसे परिभाषित करते हैं एंड द करेक्ट आंसर, एक मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या को, एक मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या को जो है हार्ट रेट के रूप में जाना जाता है। प्रति मिनट हृदय की धड़कन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एवं सिस्टोल एवं डायस्टोल को हार्ट रेट के रूप में जानते हैं। औसत बालिक का आघात परिणाम कितना है, और बात की जा रही है स्ट्रोक वॉल्यूम की। आपको बता दें कि एक जो औसत बालिक यानी कि एवरेज एडल्ट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, 70 ml। जी हाँ दोस्तों, रेस्टिंग पीरियड में यानी कि विश्रामावस्था में हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और प्रति धड़कन लगभग 70 ml ब्लड को रुधिर ब्लड को जो है वो आर्टरीज में पंप करता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल गई, एक तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो 70 ml होता है, और जो हार्ट रेट होती है एक मिनट में वो कितनी होती है, 72 times होती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त संचलन का सही क्रम क्या है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का जो सही सीक्वेंस है कि किस पार्ट से या किस ऑर्गन से होके किस ऑर्गन की तरफ ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि सबसे पहले हार्ट में होता है ब्लड, हार्ट से जाता है आर्टरीज में या एओल्टा में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहां से आर्टरीज में, आर्टरीज से पहुंचता है ये कैपिलरीज में। जी हाँ दोस्तों, हार्ट, एओल्टा, आर्टरीज एंड देन कैपिलरीज, ये करेक्ट आंसर सीक्वेंस है, और इसके बाद सेल्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मानव हृदय का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 300 ग्राम, 300 to 350 ग्राम इज करेक्ट आंसर। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मरी हुई संक्रमण के विरुद्ध लड़ना, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीजेस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फॉरेन पार्टिकल से बचाना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, रक्त के थक्के के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, और आपको मालूम है कि जब कभी भी हमें ब्लीडिंग होती है तो थोड़ी देर, जब कभी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है और थोड़ी देर बाद जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड कोआगुलेशन हो जाता है ब्लड का, यानी ब्लड का जो है वो थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और कैल्शियम दांतों और अस्थियों के निर्माण का कार्य भी करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की तितिक्षा क्षमता है, और बात की जा रही है तितिक्षा क्षमता यानी कि एरोबिक कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, तितिक्षा क्षमता का मतलब कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी की बात क्वेश्चन में की जा रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायुजीवी सामर्थ्य यानी कि एरोबिक कैपेसिटी या कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी को हृदय की तितिक्षा यानी हृदय की तितिक्षा क्षमता यानी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस जो होती है वो एरोबिक पावर होता है। बता दें आपको दोस्तों कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्सरसाइजेज जिनमें काफ़ी देर तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या मैराथन रनिंग जिनमें बहुत देर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिनमें काफ़ी देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, तो वो हमारे लिए जो है हेल्पफुल होती है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, हृदय की अतिवृद्धि क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए। एंड द करेक्ट आंसर, नीले वृत्ति में सामान्य चौड़ाई यानी कि इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो वेंट्रिकुलर वॉल होती है उसमें जो है वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम हृदय की अतिवृद्धि के रूप में जानते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसे कार्डियक हाइपरट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी यानी कि
जो साइज है वो बड़ जाना या नीले भित्ति की सामान्य चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग कौन सी सेल्स होती हैं? तो सभी को पता है कि सेल्स की बात नहीं की जा रही है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ब्लड का मेन कंपोजिशन होता है या ज्यादातर पोर्शन वो होता है वो किसका बना होता है? प्लाज्मा का। 55% भाग प्लाज्मा का और 45% भाग ब्लड सेल्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ा हुआ रक्तचाप। ओके, पहले हमने आपको केंद्रीय विद्यालय 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में ब्लड प्रवाहित होता है तो वो सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि किस पार्ट से होके किस पार्ट में ब्लड जाता है, पहले ही हमने आपको ये आंसर बता दिया है और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है कि पहले हार्ट में ब्लड होता है, वहां से एओर्टा यानी महाधमनी में जाता है, वहां से धमनी यानी आर्टरीज में, और वहां से कैपिलरीज या सेल्स में पहुंचता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हृदय वाहिका सहन शक्ति, अगेन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्षमता विकसित होती है एरोबिक एक्टिविटीज से, यानी वायवी शक्ति वाली जो एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज होती हैं उनसे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल की बात यहाँ पे की जा रही है जिसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन होता है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का। बता दें दोस्तों, जिसमें से 0.3 सेकेंड जो है वो सिस्टोल और 0.5 सेकेंड जो है वो डायस्टोल के लिए ड्यूरेशन यहाँ पे निश्चित किया गया है। नेक्स्ट, हृदय चारों ओर से घिरा होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हृदय चारों ओर से घिरा होता है पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, श्वेत रुधिराणु यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैक्टीरिया से लड़ना, फॉरेन पार्टिकल से लड़ना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे शरीर को यही WBC का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से रक्त से क्या क्या संचारित होता है? तो एंजाइम, हार्मोन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं रक्त की एक बूंद में, और रक्त में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो लगभग 2.5 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, खून के रिसाव यानी ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर, घाव पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने से खून के रिसाव को रोका या कम किया जा सकता है। हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, बता दें आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल खा जो है वो यहाँ पे सही आंसर है, कि इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। ये हार्ट से रिलेटेड सही कथन नहीं है, क्योंकि हार्ट का जो वेट होता है वो 300-350 ग्राम होता है एवरेज वेट। और इसके अलावा देखिए, आपको बता दें, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर के लगभग होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, प्रत्येक व्यक्ति की संगति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों से बना होता है। तो जो 3 मेन होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इसके अलावा और कौन से 3 जो एलिमेंट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कैल्शियम भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व पाया जाता है उसे निम्न में से किस वॉल्व के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों। नेक्स्ट सॉरी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होता है और बात की जा रही है मिट्रल वॉल्व की जिसे बाइकस्पिड वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चार तरह के वॉल्व हमारे हार्ट में पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे बात की जा रही है मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड वॉल्व की जो कि बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है और दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के रूप में के बीच में जो पाया जाता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है एंड द करेक्ट आंसर बाएं वेंट्रिकल से। सभी को पता है कि बाएं वेंट्रिकल में जो है प्योर ब्लड होता है और एओर्टा से आर्टरीज में और सभी बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है कई बार हमने आपको बता दिया ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करना और फिर इसे सभी सेल्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ऑक्सीजन सॉरी रक्त को ऑक्सीजन कहाँ पर मिलती है तो देखिए हमने अपने क्वेश्चन की वीडियो की शुरुआत इसी क्वेश्चन से की थी और सॉरी एक्सप्लेनेशन से की थी कि रक्त को ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है तो लंग्स से मिलती है हमने आपको बताया था यानी रक्त का जो ऑक्सीजनेशन होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पाया जाता है तो लंग्स में और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट यानी कि एक धड़कन में हर धड़कन में एक बीट में हार्ट बीट में जितनी रक्त की मात्रा पंप की जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है तो इसे स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में सॉरी जी हाँ दोस्तों इसे स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में ही जाना जाता है। डोंट बी कंफ्यूज हियर क्योंकि प्रति धड़कन यहाँ पे बात की गई है पर हार्ट बीट जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है और हर मिनट में प्रत्येक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो है कितनी मात्रा जो है ब्लड की पंप की जाती है हार्ट के द्वारा उसे कार्डियक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ये देखिए दोस्तों एक मिनट में अगर हम बात करें अगर मिनट में क्वेश्चन पूछा गया तो गया होता तो आंसर कार्डियक आउटपुट होता पर यहाँ पर हार्ट बीट यानी कि प्रति हृदय धड़कन कितना ब्लड पंप होता है तो वो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। डोंट बी कंफ्यूज लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन का काम नंबर वन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार जो है वो विटामिन के है। हृदय के ऊपरी परतों को बाहर से अंदर की तरफ सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है देखिए और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हृदय के ऊपर की परतों को बाहर से अंदर की तरफ तो बाहर से अंदर के सही क्रम में ले जाना है आपको तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए एंडोकार्डियम मायोकार्डियम पेरिकार्डियम पेराइटल और पेरिकार्डियम। ओके तो सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है पेरिकार्डियम देन मायोकार्डियम बीच में और सबसे अंदर जो होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डियम। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट का सही सीक्वेंस क्या है। देखिए फिर से ब्लड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सीक्वेंस सी सही है यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में होगा ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वहां से आर्टरीज में और फिर कैपिलरीज में तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। ओके दिस इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से होके आता है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है कौन सी वेन्स के थ्रू आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल में फिर वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर आर्टरीज में और फिर कैपिलरीज में। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा
और करेक्ट सीक्वेंस हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सही मिलान आपको करना है। देखिए तो ए का जो सही है वो क्या है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लो हीमोग्लोबिन से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज यानी इंसुलिन का लेवल कम होना डायबिटीज है, और कोलेस्ट्रॉल जो है HDL हाई डेंसिटी HDL की बात हो रही है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल से मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल से यहाँ पे मतलब है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं सीरीज में, इसलिए हम आपको कंटिन्यूसली बताते चल रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के साथ कि रक्त की वह मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।